ये हमारा वीडियो है यूज ऑफ इट के ऊपर, ठीक है, कि आप इट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा ना कि कई बार होता है कि लाइक इट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इट इज 10 o'clock और इट इज 10 minutes टू 5 o'clock, मतलब 10 मिनट है 5 बजने में, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे इसमें हम लोग इट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इट का यूज आप तब करते हो जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ओके। और उसके बाद आप इट का यूज करते हो वेदर के लिए और टाइम के लिए। वेदर और टाइम के बारे में अगर हमारा सेंटेंस है तो उसको हम लोग इट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे कि इसमें क्या है कि आज बहुत सर्दी है, तो उसको आप कैसे बोलोगे? टुडे इज वेरी कोल्ड। नहीं, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं बोलोगे आप। आप बोलोगे इट इज कोल्ड टुडे, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने वेदर की बात करी, मौसम की बात करी, तो यहाँ हमने इट लगाया कि इट इज कोल्ड टुडे। नेक्स्ट, कल आकाश में बादल छाए हुए थे। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, मौसम की बात कर रहे हैं, बादल। तो कल आकाश में बादल छाए हुए थे, तो ये तो बहुत ही आसान है आपका। इट वॉज क्लाउडी येस्टरडे, ठीक है। इट वॉज क्लाउडी येस्टरडे, कल आकाश में बादल छाए हुए थे। नेक्स्ट देखो, मुझे यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं, मुझे यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं, पर टाइम की बात होगी, ओके। तो इसके लिए आप लिखोगे इट मी, इट टुक मी मतलब मुझे लगे हैं कितने, 2 घंटे। तो आपका 2 आवर्स यहाँ पहुंचने में, तो टू रीच हियर, ओके। इट टुक मी 2 आवर्स टू रीच हियर, मतलब मुझे इट टुक मी मुझे लगे 2 आवर्स, 2 घंटे टू रीच हियर, यहाँ पहुंचने में। नेक्स्ट देखो, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, तो इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock इन माई वॉच, नहीं होता कभी भी आप इन माई वॉच या इन माई क्लॉक नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बाय माई वॉच या बाय माई क्लॉक, ओके। तो इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, टाइम बताने के लिए ना हमेशा हम बाय लगाते हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू, मेरे वॉच के अकॉर्डिंग, मेरे वॉच में नहीं, मेरे वॉच के अकॉर्डिंग इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। नेक्स्ट, क्या आज मौसम अच्छा नहीं है? क्या आज मौसम अच्छा नहीं है, तो हम मौसम की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, इज एम आर जो भी लगना होगा उसको हम लोग स्टार्टिंग में लगा देंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, तो यहाँ पे तो इजी लगेगा। तो आप लिखोगे इज इट नॉट फाइन टुडे, क्या आज मौसम अच्छा नहीं है, तो इज इट नॉट फाइन टुडे, ओके। आज सोने का, सॉरी, अब सोने का समय हो गया है, अब सोने का समय हो गया है। तो देखो अगेन हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम के लिए आपको क्या लगाना है, इट ही तो लगाना है आपको, तो इट इज द टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय हो गया है, इट इज अ टाइम टू स्लीप। अभी खाने का समय हो गया है, इट इज अ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, जो आपको बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आपने मेरे घर आकर बड़ी कृपा की, आपने मेरे घर आके बड़ी कृपा की, या इसको भी आप इट से स्टार्ट करोगे, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू कम टू माय हाउस, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू मतलब आपने बड़ी कृपा की, आपकी बहुत कृपा है टू कम टू माई हाउस, कि आप मेरे घर आए, ठीक है। तो इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस, सिंपल। मुझे इस पुस्तक को पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, मुझे इस पुस्तक को पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, तो मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैं लगाऊंगी विल। अब अगेन टाइम है, जहाँ पे आपको इट लगाना है, इट विल टेक कितना, आधा घंटा ना, तो आधे घंटे को बोलते हैं हम लोग हाफ एन आवर,
इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीड दिस बुक. अब नेक्स्ट आपका है, कल ठंडी हवा चल रही थी. कल ठंडी हवा चल रही थी तो इट वॉज ब्लोइंग. ठंडी हवा चलने के लिए यूज करते हैं ब्लोइंग. इट वॉज ब्लोइंग कोल्ड येस्टरडे, क्योंकि बीते हुए दिन की बात कर रहे हैं हम लोग, टुमारो नहीं आएगा. इट वॉज ब्लोइंग कोल्ड येस्टरडे, कल ठंडी हवा चल रही थी. अब नेक्स्ट आपका है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने से कोई फायदा नहीं है. छोटी छोटी बातों पर झगड़ने से कोई फायदा नहीं है. तो यहाँ पे आप इट भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप देयर भी लगा सकते हो, दोनों से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. देयर के लिए मैं अलग से बताऊंगी, अब फिलहाल हम लोग इट पे कर रहे हैं तो इट से कर लेते हैं. इट इज नो यूज, ठीक है, इट इज नो यूज ऑफ फाइटिंग इट इज नो यूज ऑफ फाइटिंग ओवर ट्रिफल्स. ट्रिफल्स होता है आपका छोटी छोटी बातें, मतलब छोटी छोटी चीज जिसकी बहुत ही कम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिफल्स. तो इट इज नो यूज ऑफ फाइटिंग ओवर ट्रिफल्स. वो कितना बड़ा है हिंदी में और इसमें कितना छोटा सा बन गया. इट इज नो यूज ऑफ फाइटिंग ओवर ट्रिफल्स. इंग्लिश बहुत आसान है एज कम्पेयर टू हिंदी. इंग्लिश बहुत ईजी है. नेक्स्ट आपका, गाड़ी चलने में 10 मिनट बचे हैं. गाड़ी चलने में 10 मिनट बचे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं तो उसको भी इट से स्टार्ट करेंगे. इट इज 10 मिनट्स, ठीक है, इट इज 10 मिनट्स टू स्टार्ट